हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। तो बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से पावन खिंड को लेकर, जो कि कहने को एक मराठी फिल्म है और ये एक हिस्टोरिकल पीरियडिकल ड्रामा फिल्म है जो कि बेस्ड है भारत के वीर योद्धा शिवाजी महाराज पर, छत्रपति शिवाजी। अब बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म काफ़ी अच्छी है, अंडरस्टेबल है और जो उसकी रेटिंग है वो है 9.9। ऐसे में जो उसका बजट है वो है महज 10 करोड़ रुपए और ये फिल्म करोड़ों में कलेक्शन कर रही है आज भी। आज वैसे आपको पता ही होगा नॉन वर्किंग डे है, जिसके चलते आज फिल्म के कलेक्शन में एक बार फिर से ग्रोथ देखी जा रही है। वैल उससे पहले आपको बता दूँ, फिल्म का जो कलेक्शन हो चुका है अभी तक वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से हो चुका है तकरीबन 22 करोड़ प्लस बीते कुछ 11 दिनों में। आज 12वां दिन चल रहा है, तो यकीन मानेगा नॉन वर्किंग डे होने के कारण आज ये फिल्म एक बार फिर से ग्रोथ देखने को मिल सकती है कलेक्शन में और ये कमा सकती है कम से कम 2 करोड़ प्लस आसानी से। जिसके बाद जो कलेक्शन हो चुका होगा फिल्म का 12 दिनों के अंदर अंदर वो हो गया होगा कम से कम 24 करोड़ प्लस, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन है। और यकीन मानिएगा कि फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो हो चुकी है और ना जाने आने वाले टाइम में कितना कलेक्शन करेगी। फिर आपकी फिल्म को लेकर क्या है राय कमेंट में मेंशन कीजिएगा और आपके हिसाब से इसका क्लोजिंग कलेक्शन क्या रहने वाला है बताना मत भूलिएगा। और बात करें फिल्म को लेकर, फिल्म काफ़ी बढ़िया है, जो इसमें ग्राफिक्स यूज़ हुए बहुत ही बढ़िया, इसमें जो बोलते हैं ना बहुत ही तरीके से इस फिल्म के डायरेक्टर ने प्लॉटिंग किया है जो कि एकदम ज़बरदस्त काम है। आपकी क्या ओपिनियन है पावन खिंड को लेकर कमेंट में मेंशन करें, क्योंकि जो उसकी रेटिंग है वो भाई साहब बहुत ही बढ़िया है 9.9। सुनने में भी अजीब लगता है 9.9 की रेटिंग किसी फिल्म को मिली है यार, अब तो पावन खिंड को और इंडिया की हायर रेटिंग फिल्म बन चुकी है ये। आपकी ओपिनियन क्या है, क्या कहना चाहते हो कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।